नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट थर्ड को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। इसके पहले के वीडियोस में मैंने मेडिवल हिस्ट्री का इन्वेजन्स फ्रॉम गजनवी घोर्स एंड अरब्स पार्ट वन, न्यू किंगडम्स पार्ट टू, अब ये तीसरा वाला जो टॉपिक है, तीसरा पार्ट है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो मुगल एम्पायर, ये अगली वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली इस पार्ट में हम लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, और इस दिल्ली सल्तनत में या फिर इसको सल्तनत काल भी कहते हैं, इसमें हम लोग को बेसिकली पाँच डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी, या कहीं कहीं वो मामलुक डायनेस्टी भी लिखा हुआ है, हिंदी में उसको गुलाम वंश कहते हैं, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयदीस डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। वैसे इन सब का जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑफ़ कोर्स हम सबको हिस्ट्री पढ़ने में एक नेचुरल टेंडेंसी है हम लोगों की, कि हिस्ट्री पढ़ने में हम लोग को थोड़ा सा बोरियत फील होती है, इंटरेस्ट कम लगता है। इसका एक ही कारण है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि हम लोग जब भी बीच से पढ़ते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि हम जब भी कोई भी टॉपिक को बीच से देखते हैं या बीच से शुरुआत करते हैं, हमारा इंटरेस्ट लेवल बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्टोरी बुक को बीच से देखेंगे या फिर किसी मूवी को भी अगर हम लोग बीच से देखेंगे तो भी वो मज़ा नहीं आएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर कुछ जानना है, अगर हम लोग को जानने की इच्छा हो तो हम लोग उसको शुरू से जानते हैं, शुरू से जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चलिए, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। और वैसे भी हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये टॉपिक तो हमारे इंडिया का हिस्ट्री है, ये तो वैसे भी स्टूडेंट्स लोगों को आना भी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। फर्स्ट जो डायनेस्टी था वो था स्लेव डायनेस्टी, इसको गुलाम वंश भी कहते हैं। इसके पीछे का स्टोरी थोड़ा समय बता दूँ। इसके पीछे का स्टोरी है कि जब मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को 1192 में बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हरा देता है, तब वो यहाँ पर लूटपाट करने के बाद अपना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला जाता है। और जब मोहम्मद घोरी अरेबियन कंट्रीज़ में ही जब लड़ाई करता वहाँ मारा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को मुक्त राजा या फ्री किंग घोषित कर देता है। तो उसके बाद से जो दिल्ली सल्तनत काल है या दिल्ली सल्तनत पीरियड है, वो हमारे कंट्री में शुरू होता है। चलिए यहाँ देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे। वैसे तो बहुत सारे थे, क्योंकि इनका डायनेस्टी का पीरियड 1206 से 1290 तक चला, लगभग 84 ईयर्स का एक बहुत लंबा पीरियड चला। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाने में ये लोग सफल भी रहे बहुत हद तक, मगर प्रॉब्लम क्या था कि शुरू के किंग्स बहुत ही पावरफुल और केपेबल थे, बाद के किंग्स पावरफुल और केपेबल नहीं थे, जिसके चलते सत्ता एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाती गई। चलिए शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। ही एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1206, 1206 में इसको गद्दी मिली, एंड ही एस्टेब्लिश्ड द डायनेस्टी नोन एज मामलुक डायनेस्टी। अरेबियन में उसका मतलब होता है ओन्ड, मतलब गुलाम कह सकते हैं। एक्चुअली ये लोग क्या होते थे ना, बड़े बड़े राजा किंग्स वगैरह जो होते थे, ये लोग बहुत सारे बच्चों को बचपन से ही पालते थे अपने पास, उसको सिखाते थे, लड़ाई वगैरह हर चीज़ में ट्रेन करते थे, और वो धीरे धीरे उसको कोई एक इम्पॉर्टेंट सा ओहदा दे देते थे, या तो कहीं का सेनापति या तो कहीं का गवर्नर, उसके क्वालिटी के हिसाब से। अगर बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है तो उसको मंत्री वगैरह का पद दे देते थे। इस तरीके से ये लोग काम करते थे। चलिए आगे देखते हैं। ही एस्टेब्लिश द मामलुक डायनेस्टी एंड कैप्चर्ड द एरिया बिटवीन गंगा एंड यमुना एंड डिफीटेड द राजपूत किंग्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब आया था तब उस वक्त राजपूत राजा थे, या मैंने कौन से राजा को हराकर वो किस ग्रुप के राजा को हराकर वो बना था। तो वहाँ पर आएगा राजपूत राजाओं को हराकर वो गंगा यमुना के बीच का जो दुआब वाला क्षेत्र है उस पर कब्जा किया था। और इसके नाम पर बहुत ही फेमस है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है ये राजस्थान में, ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में बना हुआ, ये इसी ने बनाया था।
तो ये बहुत बार ये पूछा गया इसके ऊपर क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, या फिर ये भी पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस डायनास्टी ने बनाया था, तो स्लेव डायनास्टी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश उसका राजा बनता है। इसका कारण था कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ भी था, दामाद था, एंड ही गॉट द पोजिशन थ्रू ए सीरीज ऑफ बैटल अगेंस्ट द राजपूत किंग्स। ये साथ ही साथ बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। उसके बाद उसके मरने के बाद गद्दी इसी को मिला। ही ऑल्सो मैनेज द अटैक बाई मंगोल लीडर्स गेंगिस खान। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गेंगिस खान जो मंगोल से आया था, सेंट्रल एशिया का था, उसकी लड़ाई सबसे पहले भारत में घुसने से उसको किसने रोका। तो इल्तुतमिश था जो खलजी डायने सॉरी जो स्लेव डायनेस्टी का, उसने गेंगिस खान को रोका था, उसके आक्रमण से बचा के रखा था किंगडम को। लेकिन इसके जो बेटे थे दे वेर नॉट वर्दी फॉर द थ्रोन। इनके बेटे एक भी कोई भी बेटा सिंहासन को संभालने के लायक था ही नहीं। सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये जो डिसीजन था ये बहुत ही यूनिक और पहली बार ऐसा डिसीजन लिया गया। इसके मरने के बाद अब रजिया सुल्तान दिल्ली की बादशाह बनती है या शहंशाह बनती है। रजिया सुल्तान शी वॉज अ वाइज एंड केपेबल क्वीन। ये बहुत ही समझदार और केपेबल क्वीन थी, मगर प्रॉब्लम क्या था वो हम लोग देखेंगे। शी ड्रेस्ड लाइक मैन एंड रोड एन एलिफेंट लीडिंग हर ट्रूप्स। बहुत ही बहादुर, समझदार और मतलब एक राजा बनने की जो भी खूबियाँ चाहिए थी रजिया सुल्तान में थी। लेकिन ग्रुप ऑफ नोबल्स वेर नॉट सेटिस्फाइड विथ हर टू एक्सेप्ट अ वोमन एज देयर सुल्तान। ये प्रॉब्लम था कि भाई वहाँ के जो ग्रुप ऑफ नोबल्स थे, जो मंत्रिमंडल था, उन लोगों को एक लड़की को एक महिला को सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट करना उनको अच्छा नहीं लगा। और अंत में वो लोग बहुत सारे मैंने कॉन्स्पिरेसीज करके, मतलब बहुत सारे षड्यंत्र करके अंततः उसको 1240 में गद्दी से उतार देते हैं। इसके बाद बलबन बनता है, नसीरुद्दीन का सबसे छोटा बेटा। नसीरुद्दीन यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश गॉट द थ्रोन बट ही वॉज इनकेपेबल व्हेन ही डाइड। नसीरुद्दीन पहले गद्दी पर बैठता है मगर ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाता है। उसके मरने के बाद बलबन जो होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है स्लेव डायनेस्टी का, वो गद्दी पर बैठता है क्योंकि उस समय तक वही लायक था, उसी को गद्दी पर बैठाया जाता है। और साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, जो नॉबल्स थे कोर्ट के, उन लोगों ने सपोर्ट किया, तभी बलबन वहाँ का किंग बना। ही वॉज ऑल्सो इनकेपेबल। प्रॉब्लम ये था कि ये भी इनकेपेबल था। सो ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फियर एंड फोर्स। यहाँ पर इसने डरा कर और ज़बरदस्ती वाला पॉलिसी को अपनाया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। एंड ही इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद द मंगोल्स। ये मंगोल के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक समझौता कर लिया। आफ्टर हिज डेथ हिज डिसेंडेंट्स वेर वेरी वीक एंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली पास्ड इन टू द हैंड ऑफ तुर्को अफगान फैमिली खलजीज। लास्ट रूलर मुइजुद्दीन कैकाबाद जो 17 साल का था और शमशुद्दीन कयुमार ये 3 साल का था, ये अंतिम शासक थे स्लेव डायनेस्टी के। इन दोनों को मर्डर करके, इन दोनों को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सल्तनत को हथियाता है। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ये किसको मार के राजा बना, तो मुइजुद्दीन कैगाबाद और शमसुद्दीन कयुमार्स, ये इन दोनों को, ये यही दोनों अंतिम शासक थे स्लेव डायनेस्टी के। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आता है। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। इसमें देखेंगे ये 1290 से 1320 तक चला, ये भी काफ़ी लंबा समय ही चला। ये सेकंड डायनेस्टी था दिल्ली का और इसको शुरुआत किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वेयर द वेसल्स ऑफ मामलुक डायनेस्टी। ये भी ये जो खिलजीज थे ये मामलुक डायनेस्टी के ही स्लेव थे कहीं ना कहीं। और ये लोग दिल्ली के जो सुल्तान थे गयासुद्दीन बलबन उसके ऑफिसर थे। लेकिन जब राजा कमज़ोर हो जाए तो उस समय कोई ना कोई ऑफिसर अगर पावरफुल हो जाए तो वो कब्ज़ा कर लेता है। ये शुरू से ही नियम है, सत्ता
ऐसा होता ही है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ही किल्ड द मुइजुद्दीन कैगाबाद एंड शमसुद्दीन कैमार लास्ट रूलर ऑफ मामलुक इन ए कूप एंड कैप्चर द थ्रोन। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वॉज अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड, ये जब दिल्ली का सुल्तान बना था तब ये 70 साल का था, इन 1290 AD। क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी जब राजा बना था, सुल्तान बना था सॉरी, तो उस वक्त उसकी उम्र क्या थी, तो 70 साल। ही रिपेल्ड मंगोल फोर्स फ्रॉम द बैंक ऑफ सिंध रिवर एंड सेंट्रल इन सेंट्रल एशिया सेंट्रल इंडिया। इसने भी मंगोल्स को सक्सेसफुली दूर रखा विद द हेल्प ऑफ हिज नेफ्यू जूना खान। इसका एक भतीजा था जूना खान, उसकी मदद से इसने मंगोल्स को अपने सल्तनत से दूर ही रखा। इसके बाद अब की स्टोरी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया है। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली नेफ्यू था और सन इन लॉ भी था जलालुद्दीन का। साथ ही साथ जब ये रिटर्न दिल्ली आया 1296 में, इसने जलालुद्दीन का मर्डर किया एंड एज्यूम्ड पावर एज अ सुल्तान। इसके बाद ये गद्दी हासिल करके सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन एक्सपेंडेड टू साउथ, अलाउद्दीन साउथ तक गया क्योंकि उस वक्त खिलजी डायनेस्टी इंडिया के जस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक ही सीमित था। धीरे धीरे ये साउथ की ओर बढ़ा और इसके दो जनरल्स थे मलिक कफूर और खुरशो खान। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मलिक कफूर और खुरशो खान किस वंश से संबंधित थे, वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे, तो खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड थे मलिक कफूर और खुरशो खान, और वो अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे। अलाउद्दीन वॉज ऑल्सो नोन फॉर इज क्रुएल्टी अगेंस्ट अटैक किंगडम। ये जो क्रुएल्टी है, ये क्रूरता दिखाना, अलाउद्दीन इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था कि जिस किंगडम पर अटैक करता था लड़ाई के बाद, वो वहाँ के जितने भी मेल पर्सन थे उन सबको खुद से मारता था। और इसको एक चीज़ और बहुत ये इसके मन में ये प्रॉब्लम था कि एनीवन सस्पेक्टेड अ थ्रेट, अगर किसी से किसी को भी अगर इसके मन में बैठ गया कि ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, तो ये क्या करता था, उस परिवार के वुमन और चिल्ड्रन के साथ पूरा का पूरा फैमिली को वो कत्ल करवा देता था। इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी गया कि ऐसा कौन सा सनकी राजा सनकी सुल्तान था जो अपने शक के लिए अगर किसी के प्रति भी अगर उसको शक हो तो उसके पूरे परिवार का कत्ल करवा देता था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत शक्की राजा था, शक्की सुल्तान था। और ये जो और दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, कोहिनूर डायमंड वॉज सीज बाय अलाउद्दीन खिलजीज आर्मी इन 1310 फ्रॉम द काकातिया डायनेस्टी। ये ध्यान रखना होगा कि कोहिनूर डायमंड काकातिया डायनेस्टी, ये साउथ इंडिया का एक डायनेस्टी है, वहाँ से कोहिनूर हीरा इन लोगों ने अपने खजाने में शामिल किया था क्योंकि लड़के हराया था और वहाँ से जीत कर लाए थे। ही रेज द एग्रीकल्चरल टैक्स फ्रॉम 20% to 50% पेबल इन ग्रेन और कैश एंड अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन जनवरी 1316 रिजल्ट फुल ऑफ डिस्टर्बेंस एंड क्योस इन द सल्तनत। इसके मरने के बाद पूरे के पूरे सल्तनत में बहुत ज़्यादा हलचल और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। इसके बाद क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। मलिक कफूर इसके बाद आता है, मलिक कफूर बिकम द सुल्तान बट ही लैक द सपोर्ट फ्रॉम आमिर्स एंड वॉज किल्ड सून। ये भी बहुत अजीब सी बात है, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था, याद रखिए मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। ये जो आमिर्स थे, आमिर का मतलब है मंत्रिमंडल, वहाँ पर जो मंत्री के पोस्ट पर बैठे थे, मलिक कफूर इसके बाद सुल्तान तो घोषित करता है बट आमिर के सपोर्ट के बिना वो सुल्तान ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाता है और इसका बहुत जल्द मर्डर हो जाता है। फर्स्ट टाइम आमिर इंस्टॉल्ड ए 6 ईयर्स ओल्ड सिहाबुद्दीन ओमार। याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम 6 साल के बच्चे को सुल्तान किस वंश में बनाया गया, तो वो खिलजी वंश में बनाया गया और उसका नाम सिहाबुद्दीन ओमार था। इसको बनाया गया था सुल्तान, कितना उम्र था इसका, 6 साल। और इसके जो टीनेज ब्रदर थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसको इसका रिजेंट मतलब अभिभावक बनाया गया, उसकी देखरेख में बनाया गया 6 साल के बच्चे को।
लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह क्या करता है, ही किल्ड हिज ब्रदर एंड बिकेम द सुल्तान। ये अपने भाई को मार देता है और खुद को सुल्तान बना देता है, लेकिन ही कांट रूल फॉर ओनली फोर ईयर्स, वो 4 साल ही राज कर पाता है। मुबारक शाह वॉज मर्डर्ड इन 1320 बाई हिज वन ऑफ जनरल खुरशो खान। देखिए, दो जनरल थे, मलिक कफूर और खुरशो खान, इन दोनों का कहानी ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक कफूर सुल्तान बनता है, लेकिन आमिर्स लोगों के सपोर्ट के बिना इसकी मौत हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहाँ के जो आमिर्स थे या मंत्रिमंडल थे, उसने दो बच्चों को, एक 6 साल का और एक टीनेज 13 साल का बच्चे को गद्दी पर बैठाते हैं। जो 6 साल का होता है उसको सुल्तान डिक्लेयर करते हैं, साहिबुद्दीन उमर, और उसके टीनेज भाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह साहिबुद्दीन उमर को मारकर गद्दी पर बैठता है, लेकिन 4 साल तक ही टिक पाता है। उसके बाद जो दूसरा जनरल होता है खुरशो खान, वो आ जाता है और वो मुबारक शाह को मार देता है। अब मुबारक शाह को मारने के बाद यहाँ पर एंट्री होती है गाजी मलिक की। गाजी मलिक भी पंजाब का गवर्नर होता है, जो खिलजी डायनेस्टी का ही स्लेव होता है। गाजी मलिक ये आता है और ये खुरशो खान को कैप्चर करके खुरशो खान का कत्ल कर देता है ये, एंड बिहेडेड हिम एंड बिकेम द सुल्तान। और गाजी मलिक सुल्तान बनने के बाद गाजी मलिक रीनेम्ड हिम ग्यासुद्दीन तुगलक, और अब ये पूरी तरीके से खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी में कन्वर्ट हो जाती है। ये है इसका स्टोरी। अब हम लोग एक नए डायनेस्टी में घुसेंगे, वो है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग समझेंगे। ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज नोन एज गाजी मलिक, इसका नाम पहले गाजी मलिक था, ये पंजाब का गवर्नर था, खिलजी डायनेस्टी का ऑफिसर था, लेकिन जब पूरा का पूरा सल्तनत कमज़ोर और नष्ट हो गया, वो ये इसने अपने आप को वहाँ का सुल्तान घोषित कर दिया और एक नया डायनेस्टी बनाया जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। इसने ही किल्ड द लास्ट किंग ऑफ खिलजी डायनेस्टी खुरशो खान एंड डिक्लेयर द टाइटल एंड ही फाउंड द सिटी तुगलकाबाद। एक क्वेश्चन बनता है कि तुगलकाबाद को किसने बनाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इन द एक्सीडेंट एंड हिज सन सोन जुनवा या उलुग खान सक्सीडेड हिम एज मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बार ये भी क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक्स में भी दिया हुआ कि ये एक विक्ट्री का शो कर रहा था, उसी दौरान वो जिस घोड़े के रथ में बैठा था उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया और उस एक्सीडेंट में मारा गया। और कहीं किसी किसी हिस्ट्री में ये भी बताते हैं कि इसका जो बेटा था उलुग खान, तो इसका ये किया हुआ काम था, इसका साजिश के तहत ये मारा गया था। अलग अलग किताब में अलग अलग इन्फॉर्मेशंस है, बट जो सच है कि ये एक्सीडेंट में मारा गया था। इसके बाद इसका जो बेटा था उलुग खान, वो सुल्तान बनता है और उसका नाम हो जाता है, एक टाइटल मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक। ही हैड डीप इंटरेस्ट इन रिलीजन, फिलोसोफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि तुगलक वंश का कौन सा राजा था जिसको बहुत ज़्यादा रिलीजन, फिलोसोफी, एस्ट्रोनॉमिक, इन सब चीज़ों में, इन सब सब्जेक्ट्स में उसको बहुत इंटरेस्ट था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ही इंक्रीज द टैक्सेशन इन दोआब। इसने कुछ गलतियाँ की, जिसको हम लोग कहेंगे गलतियाँ ही थी, जिसके चलते पूरा का पूरा डायनेस्टी ख़त्म हो गया। ही इंक्रीजेस टैक्सेशन इन दोआब। दोआब वैसा क्षेत्र है जो दो नदियों के बीच का जो फर्टाइल एरिया होता है, जैसे गंगा और यमुना के बीच का जो फर्टाइल एरिया होता है उसको हम लोग दोआब क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर फसलें बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसने दोआब क्षेत्र में टैक्स को बढ़ा दिया। एंड दूसरी गलती की इसने, क्योंकि ये जो टैक्स बढ़ाया, टैक्स बढ़ाने के चलते लोग क्या किए, ज़मीन छोड़कर चले गए। फिर बहुत मुश्किल से ये लोगों को, किसानों को वापस बुलाया। तो वो जो बुलाने जो पीरियड था, टैक्स बढ़ाना, टैक्स ज़बरदस्ती वसूल करना, वसूल करने के लिए लोगों को मारना, पीटना, सज़ा देना, फिर लोगों का डर के मारे जगह को छोड़कर भाग जाना, फिर कई महीनों तक भाग जाना, फिर कई महीनों के बाद, 1-1.5 साल मिलने बीतने के बाद जब राजा को एहसास हुआ कि हमको टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, सुल्तान को फील हुआ, उसके मंत्रियों ने बताया होगा कि भाई जब किसान ही नहीं रहेंगे तो खेती नहीं होगा, खेती नहीं होगा तो टैक्स कौन देगा, फिर डेवलपमेंट का काम कैसे होगा। तो इसके बाद सुल्तान को अपनी गलती का एहसास होना और टैक्सेशन को ख़त्म करना,
और फिर से फार्मर्स को वापस बुलाना, ये जो लॉन्ग पीरियड बीतता है, इस पीरियड के चक्कर में एक बहुत बड़ा समय नष्ट हो जाता है। तो ये जो टैक्सेशन बढ़ाने का इसका जो निर्णय था, ये पूरी तरीके से गलत था। और इसने दूसरा एक और गलती की, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ये दिल्ली से दौलताबाद और देवगिरी कहते हैं, दौलताबाद या देवगिरी, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, आदेश देता है कि भाई पूरे दिल्ली के लोग भाई उठो और वहाँ जाओ, महाराष्ट्र में जाओ। बहुत सारे लोग तो जर्नी में मर जाते हैं, और जो लोग वहाँ पहुँच पाते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद जो सेटल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जब किसी जगह एक जगह पर सालों से रह रहे हो, आपके दादा परदादा सब एक जगह पर सालों से एक ही काम को कर रहे हो, वहाँ के काम के हिसाब से आप पूरी तरीके से निपुण हो चुके हो, परफेक्ट हो चुके हो, अब अगर उसको आपको जगह बदलने बोला जाए तो उस जगह पर वो काम सक्सेस होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ इतना लंबा जर्नी था, मेनी पीपल डाइड, डिड नॉट सर्वाइव द जर्नी, एंड दिल्ली लॉस्ट इट्स ग्लोरी। दिल्ली का जो चमक था, ग्लोरी था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। फिर इसको 4 साल के बाद याद आता है कि मैंने गलती की है, फिर ये वापस आ जाता है, दौलताबाद से वापस दिल्ली आता है। फिर उस जर्नी के दौरान भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं रास्ते में, बहुत सारा कियोस झंझट होता है। फिर अब जो दिल्ली वापस आता है, इस समय तक दिल्ली का जो रौनक था वो ख़त्म हो चुका होता है। इसके बाद ये तीसरा गलती एक और करता है, ये टोकन कॉपर करेंसी चालू करता है अपने किंगडम के अंदर, सल्तनत के अंदर, और जिसमें गोल्ड और सिल्वर कॉइन को रिप्लेस कर देता है। इसके चलते भी बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि जो कॉपर कॉइन्स, कॉपर करेंसी के कॉइन्स थे, वो बहुत ही आसानी से डुप्लीकेट बन जाते थे, लोग बहुत तेज़ी से वो बनाकर डुप्लीकेट कॉपर करेंसी पूरे मार्केट में छा गया, जिसके चलते सल्तनत को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ा। और साथ ही साथ एक और बात है कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो सूफी संत थे निज़ामुद्दीन औलिया, इन्होंने इसको कर्ज दिया था जब ये तुगलक फोर्ट बना रहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया जो सूफी संत थे वो किस समय से रिलेटेड थे, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय से रिलेटेड थे, और उन्होंने ही ये कर्ज दिया था कि ये मैंने जो जगह बना रहा है दौलताबाद उजड़ जाएगा, तू नहीं रह पाएगा। अंत में वो उजड़ ही गया, वो वहाँ पर उसको छोड़कर ही आना पड़ा, इसका पूरा का पूरा किंगडम ही नष्ट हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, हिज कज़न फिरोज शाह केम टू द थ्रोन। इसके मरने के बाद फिरोज शाह आता है, एंड ही वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये भी इतना पावरफुल नहीं होता है टू कंट्रोल द एम्पायर एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट। क्योंकि आप जब एम्पायर बनाते हो तो इन लोगों के एम्पायर के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स थे जो रिवोल्ट करते थे, और रिवोल्ट करके किंग को रेवेन्यू नहीं देते थे, किंग के ऑर्डर के अगेंस्ट में काम करते थे। तो वैसे रिवोल्ट को कंट्रोल करना भी किंग का ही काम होता, सुल्तान का ही काम था। तो ये लोकल रिवोल्ट्स को सप्रेस नहीं कर पाया, और जिसके चलते 2 सिविल वॉर्स हुए 1384 में 1394 में, 10 साल के दौरान 2 सिविल वॉर्स हुए। और इसी वॉर का फ़ायदा उठाया तैमूर, इसने दिल्ली पर अटैक किया दिसंबर 1398। उस समय नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह III सल्तनत का राजा था। तुगलक आर्मी वाज लार्जर, इस समय तक भी तुगलक की आर्मी बहुत बड़ी थी जब तैमूर अटैक किया, बट जो फाइटिंग स्ट्रेटजी था तैमूर का वो बहुत ही कमाल का था, इसीलिए फाइनली ओवरथ्रोन बाय देयर फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान खिजर खान। खिजर खान तुगलक डायनेस्टी का ही अपना पुराना गवर्नर था, और उसने इस समय पर देख, ये जो समय था ये अंत में खिजर खान भी साथ हो गया और तुगलक डायनेस्टी को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, एंड इस समय रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ सैयद डायनेस्टी एज अ न्यू रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इस समय तक तैमूर ने जो अटैक किया, तो तैमूर का जो गवर्नर था, तैमूर का एक गवर्नर था जो मुल्तान एरिया में राज कर रहा था, उसने अंत में अटैक किया और पूरी तरीके से सल्तनत को उखाड़ कर फेंक दिया और एक नया डायनेस्टी बसाया जिसको हम लोग सैयदी डायनेस्टी कहते हैं। इस तरीके से गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी से खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी से तुगलक डायनेस्टी, अब तुगलक डायनेस्टी से हम लोग सैयद डायनेस्टी में जाएंगे, सैयदी डायनेस्टी। तो सैयदी डायनेस्टी में क्या है, द सैयदी डायनेस्टी वाज 4th डायनेस्टी,
कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो सही ढंग से क्रम में सजाएं, तो पहले होगा स्लेव डायनेस्टी, फिर होगा खलजी डायनेस्टी, फिर होगा तुगलक डायनेस्टी, फिर होगा सैयदी डायनेस्टी, फिर लास्ट में आएगा लोधी डायनेस्टी। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सही ढंग से क्रम से सजाने के लिए। तो ये 1414 से 1451 तक, ये ज़्यादा लंबा तक ये लोग राज नहीं कर पाते हैं। द सैयद डायनेस्टी वॉज द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, रूलिंग फ्रॉम 1414 टू 1451। इट वॉज फाउंडेड बाई खिजर खान, अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ मुल्तान हु सक्सीडेड द तुगलक्स। तैमूर कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398 एंड ही अपॉइंटेड खिजर खान एज अ डिप्यूटी ऑफ मुल्तान पंजाब। तैमूर का ही एक ऑफिसर था ये, जब दिल्ली पर अटैक करता है, अटैक करने के बाद जब जीत जाता है तो खिजर खान को वहाँ का डेप्यूटी अपॉइंट करके चला जाता है। खिजर खान इसके बाद दिल्ली पर कैप्चर करता है। खिजर खान कैप्चर्ड दिल्ली ऑन 28 मई 1414 एंड इस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। खिजर खान डिड नॉट टेक अप द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड नॉमिनली कंटिन्यूड टू बी ए रायते आला। ये बहुत, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने सुल्तान का टाइटल को धारण नहीं किया, तो वो था खिजर खान। ये सैयदी डायनेस्टी का था, ये भी गुलाम था, रैयत आला ऑफ तिमुरिड्स, मतलब ये अपने आप को तैमूर का गुलाम मानता था, इसलिए अपने आप को ये रायती आला एक तरह का अपना एक वैसल है, गुलामी है, इस नाम से खुद को टाइटल रखा। और इनिशियली दैट ऑफ तैमूर, तैमूर के ही नाम से ये चला। एंड लेटर हिज सन शाहरुख, उसने भी यही चीज़ किया। खिजर खान वॉज सक्सेडेड बाई सन सैयद मुबारक शाह। ये इस मरने के बाद सैयद मुबारक शाह गद्दी पर 1421 में बैठता है। एंड मुबारक शाह रेफर्ड टू हिम एज मुइजुद्दीन मुबारक शाह। एक्चुअली सल्तनत पीरियड में जितने भी सुल्तान्स आए, वो जब भी गद्दी पर बैठे, उन लोगों ने अपना अपना टाइटल बिल्कुल चेंज किया। उनका टाइटल सबका कुछ ना कुछ अलग ही था। और इसका जो कॉइन्स था, ये अपने कॉइन में मुइजुद्दीन मुबारक शाह लिखवाता था। ए डिटेल्ड अकाउंट इज़ अवेलेबल इन तारीख़ मुबारक शाही रिटन बाई यहया बिन अहमद सिरिंदी। इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहया बिन अहमद सिरिंदी के जो बुक है तारीख़ मुबारक शाह, उसमें मिलता है हम लोग को इन्फॉर्मेशंस इनके बारे में, क्योंकि वहाँ इसके कोर्ट हिस्टोरियंस थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मुबारक शाह हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह एक्सेंडेड द थ्रोन एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान मोहम्मद शाह। ये फर्स्ट टाइम अपना नाम रखता है सुल्तान मोहम्मद शाह। जस्ट बिफोर हिज डेथ ही कॉल्ड हिज सन सैयद अलाउद्दीन। सुल्तान मोहम्मद शाह मरने से पहले अपने बेटे सैयद अलाउद्दीन को बुलाता है फ्रॉम बदायूं एंड उसको अपना सक्सेसर घोषित करता है। तो लास्ट रूलर था सैयद डायनेस्टी का सैयद अलाउद्दीन आलम शाह, वॉलंटरली एबडिकेटेड एंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन फेवर ऑफ बहलूल खान लोधी ऑन 19 अप्रैल 1451 एंड लेफ्ट फॉर बदायूं वेयर ही डाइड इन 1478। इस समय तक लोधी डायनेस्टी के जो बहलूल खान लोधी थे ये आकर इस पर कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि ये उतना पावरफुल या केपेबल नहीं होता है। लास्ट में इसको वापस बदायूं भेज दिया जाता है जहाँ पर वो मर जाता है। अल्टीमेटली फिर से दिल्ली एक नए सल्तनत के अंडर आ जाता है जिसको हम लोग कहेंगे लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी ये भी बहुत लंबा समय राज करती है, 1451 से 1526 तक। दे वर द अफगान डायनेस्टी रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1451 टू 1526। इट वॉज द फिफ्थ एंड लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत फाउंडेड बाई बहलोल खान लोधी। तो देखेंगे इसमें तीन ही इम्पॉर्टेंट किंग्स थे जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। बहलूल खान लोधी फ्रॉम 1451 टू 89 ही वॉज द नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ मलिक सुल्तान शाह लोधी, मलिक सुल्तान शाह लोधी एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब। बहलूल खान लोधी एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑन 14 अप्रैल 1451। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस ऑफ हिज रेन वॉज ही कॉन्क्वेस्ट ऑफ जौनपुर। जौनपुर यूपी का एक जगह है, वहाँ पर अल्टीमेटली वो उसके साथ उसका बहुत लंबा लड़ाई होता है।
और उसको वो अल्टीमेटली जीत ही लेता है। तो इसके टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट यही कॉन्केस्ट रहता है कि जौनपुर पर कब्जा करना। बहलुल खान स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन फाइटिंग अगेंस्ट द सार्की डायनेस्टी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि सल्तनत पीरियड का कौन सा सुल्तान था जिसका सार्की डायनेस्टी के साथ बहुत लंबा लड़ाई हुआ, तो वो था बहलुल खान लोदी। एंड ही रिप्लेस्ड हिज एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन बरबाक ऑन द थ्रोन ऑफ जौनपुर इन 1486। अल्टीमेटली जब ये 1486 में जीत जाता है जौनपुर को, वहाँ पर अपना बड़ा बेटा बरबाक को बैठाता है। इसके मरने के बाद नेक्स्ट सिकंदर खान लोदी सल्तनत का गद्दी को संभालते हैं। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ बहलूल, सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ, एंड इसको टाइटल मिलता है सिकंदर शाह का, इसलिए ये सिकंदर खान लोदी के नाम से फेमस होता है। ही वॉज नॉमिनेटेड बाई हिज फादर टू सक्सीडेड हिम, इसके पिता ने इसको नॉमिनेट किया था, एंड वॉज क्राउंड एज सुल्तान ऑन जुलाई 1489। ही फाउंडेड आगरा। ये क्वेश्चन इसके साथ बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है कि आगरा कौन बनाता है, तो आगरा को सिकंदर खान लोदी ने बनाया था इन 1504 एंड बिल्क मॉस्क। वहाँ पर बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण भी कराया था। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, और इसने भी यही गलती की थी कि ये कैपिटल को दिल्ली से आगरा की ओर शिफ्ट किया। इसके बाद देखेंगे जो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोदी। 1576 से 1526 तक ये राज करता है। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ सिकंदर एंड वॉज द लास्ट लोदी सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही हैड द क्वालिटीज ऑफ एक्सलेंट वॉरियर, ये बहुत अच्छा योद्धा था, बट ट्रैश एंड इम्पोलिटिक इन हिज डिसीजंस एंड एक्शन। ये बहुत जल्दी रैश हो जाता था, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना और इम्पोलिटिक बिहेवियर करना अपने कोर्टियंस के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ। तो इससे क्या होता है ना, सुल्तान अगर बिहेव खराब करेगा तो उस सपोर्ट खो देगा तो फिर वो ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाएगा। इसमें क्वालिटी था एक्सेंट एक्सेलेंट वैरियर का, बट ये एक्सेलेंट रूलर नहीं बन पाया फॉर अ लॉन्ग टाइम। इब्राहिम फेस्ड द न्यूमरस रिवेलियंस एंड की केप्ट आउट ऑफ अपोजिशन। इसने बहुत सारे रिवेलियंस, जो लोकल किंग्स थे उनसे भी रिवेलियंस था, आउटसाइडर्स थे उससे भी रिवेलियंस था, इन सब के साथ ये रिवेल को मतलब विद्रोह को झेल रहा था, लेकिन ये बना के रखा था। लेकिन कहाँ पर हार जाता है ये, इब्राहिम वॉज डिफिटेड इन 1526 एट द बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि इस समय तक बाबर आ जाता है। बाबर के साथ इसका फर्स्ट लड़ाई होता है बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, एंड दिस बैटल मार्क द एंड ऑफ लोदी डायनेस्टी एंड राइज ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया बाई बाबर। अब इसके बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। तो ये रहा बेसिकली ये जो पांच लोकल सल्तनत डायनेस्टी थे जो इंडिया पे राज करते हैं उनके बारे में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब थोड़े से कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर किया जाए, क्योंकि सिंगल अगर हम लोग सिर्फ कोई भी एक डायनेस्टी को देखेंगे वो 4-5 पेज का वो अपने आप में होगा, तो उतना ज़्यादा हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उतना ही चीज़ लेकर आया हूँ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना सा ही पूछा जाता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।